आप सबको मैं चीज़ दिखाऊंगी, अपने नाना दादा के ज़माने की चीज़ दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, और जो बहन भाई दुख और तकलीफ में, अल्लाह पाक उनकी दुख और तकलीफ से दूर अता फरमाए। जो बहन भाई बाहर के मुल्क रहते, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाले। जिन मेरे मुसलमान मोमिन बहन भाई की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। इसी नए दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ रहे उसको मुस्कुराते रहें, अल्लाह की रिस्क रोजी में बरकत दे, आमीन। तो देखें, आज जो है ना इतना धुआं हो रहा है पूरे घर में, ये जो कोना था यहाँ पर सारा गंद मचा हुआ था पत्तों की वजह से। तो अम्मी ने जो है ना आज सारा साफ करके जो है ना पत्तों को आग लगा दिए। देखे ये इसके जो सूखे पत्ते होते हैं हवा की वजह से जो है ना नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि आज इतनी हवा चल रही थी माशाल्लाह से। सुबह जो है ना फुल बादल बने हुए थे बारिश वाले, लेकिन फिर बारिश नहीं आई है, बादल चले गए हैं। हवा माशाल्लाह सुबह से चल रही है और काफ़ी जो है ना अच्छा मौसम बना हुआ है, ठंडा मौसम बना हुआ है। और मैं एक कपड़े धो रही थी सुबह से, तो कपड़े काफ़ी जो है ना सूख गए थे, तो मैंने अंदर रख दिए थे। और बाकी ये कपड़े हैं तो ये कुछ खड़े हुए थे, मैंने कहा यह भी जो है ना इनको अच्छे से सुखा कर अंदर रख देती हूँ कि कहीं रात को बारिश ना आ जाए, तो फिर ये भी गिर जाएंगे। और जो बहन भाई चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सवाब के तौर पर नेकी समझ के सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। तो आज हम जो है कुछ बना तो रहे नहीं है, अम्मी जो है होटल से 50 का सालन ले आएंगी और फिर रोटियां जो है हम घर पर बना लेंगे। सुबह से ही सारा दिन जो है ना कपड़े धोने में गुजर गया है, और जो है ना सुबह से कपड़े धो रही थी, मैंने कहा कि कहीं बारिश आ जाए, तो फिर कपड़े इतने सारे जमा हुए थे। Thank you.
कपड़े जो है मैंने अंदर रख दिए हैं। मैंने कूलर अच्छे से धो लिया है तो अभी मकान मालकिन के घर से भर कर ले आऊंगी। टैंकी तो मैंने रखवा नहीं दी है, इतना भारी कूलर है वो सोचता भी नहीं है, वहाँ से भर कर ले आती हूँ। और जो है ना आप सबने आज वीडियो को फुल वॉच करना है। आज आप सबको मैं चीज़ दिखाऊंगी, अपने नाना दादा के ज़माने की चीज़ दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ साथ रहना है। सुबह से पीने का पानी नहीं था तो मैंने कहा कूलर को धोकर पानी भरा थी, फिर अभी बर्फ। तो माशाल्लाह से देखें ये वो टेप है और ये तकरीबन कम से कम 25-30 साल पुरानी है। ये मैंने कहा आप सबको भी दिखाऊंगी। और ये मेरी अम्मी ने बहुत ही संभाल के रखी हुई थी, हमारे नाना दादा के ज़माने की है। और ये मेरी अम्मी के अबू की थी, मेरे नाना की, जो मेरी अम्मी ने संभाल के रखी थी, मुझे निकालने भी नहीं दे रही थी। और फिर मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है। मैंने कहा अम्मी हम इसको जो है ना बनवा कर चलाएँगे, देखेंगे कि ये चलती है नहीं चलती है। देखें माशाल्लाह बहुत ही जो है ना प्यारी टेप है। और ये इसके अंदर रेडियो भी चलता है और इसके अंदर ये भी लगती है, कैसेट भी लगती है। और ये देखिए इसके पीछे जो है ना ये सेल है, ये सेल पुराने के ज़माने में थे लेकिन अभी भी पता करवाएंगे कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और फिर जो है ना हम इसको पता करवाएंगे कि चलती है नहीं चलती है। मुझे वैसे भी हमें बहुत शौक है, तो फिर हम जो है ना इसको चलाएंगे, इसका रेडियो चलाएंगे। तो माशाल्लाह से ये वो चीज़ थी जो मैंने आप सबको दिखानी थी। आप सबने कमेंट करके बताना है आपको कैसी लगी है। और जो है ना इसी के साथ वीडियो भी खत्म होती है। हाँ इसके अंदर एफएम भी चलता है, रेडियो भी है, यहाँ से चलती भी है रेडियो के बटन एफएम।